करता हूं। मेरे साथ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री यादविंदर घोमा जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आज कैबिनेट की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले लिए गए हैं और विशेष है। उसके अलावा कैबिनेट ने जो है ये भी फैसला किया है कि दो वीडियो जो है ऑफिसेज जो ये खोले जाएंगे। इसमें एक जो वीडियो ऑफिस है आपका पालमपुर बनेगा और दूसरा जो है आपका बद्दी नालागढ़ में पाटा का एरिया है। ये दो ब्लॉक बनेंगे और साथ में एक सब डिविजनल ऑफिस जो सब डिविजनल ऑफिस नागरिक जिसमें एसडीओ सिविल इसका भी जो है ऑफिस जो है ये आपका ये बद्दी में ये सब डिवीजन बद्दी में खुलेगा और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा आज जो है एक जो हमारा लीज रूल है इसका भी जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है और इसमें जो फॉरेस्ट डाइवर्टेड जो लैंड होता है उसका पहले लीज जो इसका रेट था पर स्क्वायर जो है मीटर जो है 1 रुपये था इसको जो है बढ़ाकर 5 रुपये स्क्वायर मीटर किया गया है। इससे जो है प्रदेश का जो है राजस्व आमदनी बढ़ेगी और साथ में पंचायती राज के जो रूल्स हैं नियम्स हैं उसमें भी एक परिवर्तन ये किया गया कि जैसे परिवार रजिस्टर में जो भी एंट्रियां करनी होती थी जैसे डेथ या बर्थ के जो भी एंट्रीज परिवार रजिस्टर में होते थे वो साल के आखिर में जो है 31 दिसंबर तक उसको जो है रखा जाता था। अब ये जो प्रविष्टियां हैं या जो एंट्रीज हैं इसको जो है जब भी आपके मतलब कोई भी चेंज करने की आती है बारी तो उसको जो है उसी समय किया जाएगा ना कि आखिरी महीने के आखिरी जो है तारीख को किया जाएगा। इससे भी आम लोगों को जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने के लिए जो असुविधा होती थी या लंबा इंतज़ार करना पड़ता था दिसंबर का वो उससे ये जो है अब छूट मिलेगी। साथ में यहाँ पर जो है अभी 3 सब कमेटीज जो है कैबिनेट के विभिन्न विषयों को लेकर जो है उसका गठन करने का भी फैसला हुआ है जिसमें खासकर जो हमारा चयन आयोग के द्वारा जो पीछे भर्तियां हुई थी और उसको निरस्त करने के बाद जो FIR भरे हुए या जो विसंगतियां उसमें पाई गई या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां पाई गई उनको लेकर जितने भी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं कईयों के रिजल्ट निकले भी हैं कईयों के अवेटेड हैं और कईयों में अभी ज़्यादातर में इन्वेस्टिगेशन भी चला है तो इस पर जो है कानूनी पहलू को मतलब उसमें किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए या फिर अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव इसके अंदर त्रुटियां हैं उन सब मुद्दों को जो है विचार करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिसकी अध्यक्षता जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री करेंगे और उसमें जो है मेंबर्स रखे हैं और 4 मेंबर्स और होंगे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हर्षवर्धन चौहान जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य और हमारे यादविंदर घोमा इसमें मेंबर्स होंगे। इसी तरह से एक और कमेटी सब कमेटी का गठन किया गया है कि प्रदेश में जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हज़ारों बीघे ज़मीन जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स को दी गई है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को दिया गया है या अन्य विभागों को दिया गया है परंतु ये भी जो है कैबिनेट के ध्यान में आया है कि बहुत सारे जो भूमि इनको दी गई है वो जो है यूटिलाइज नहीं हुआ है तो उस बारे में भी जो है उसके मतलब उसमें किस तरह से इसका ठीक से जो है यूटिलाइज किया जाए या क्या इसको आगे करना है उसके लिए एक कैबिनेट कमेटी बनी है। उसमें जो है रेवेन्यू मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होंगे और मेंबर्स होंगे इसमें विक्रमादित्य और यानी अनिरुद्ध सिंह जी और विक्रमादित्य और राजेश धर्मानी होंगे और फिर एक और कमेटी सब कमेटी का गठन हुआ है क्योंकि प्रदेश में ये देखने में आया कि बहुत सारे विभागों के बहुत सारी जो है
बिल्डिंग्स बने हुए हैं और करोड़ों रुपए उनमें खर्च हुआ है, परंतु उन बिल्डिंग्स का जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। या ये भी ध्यान में आया कैबिनेट के कि कई तो बिल्कुल जो है किसी तरह से खाली पड़े हैं, तो इस पहलू पर भी जो है ये फैसला लेने के लिए कि कैसे इस जो प्रॉपर्टी जो करोड़ों रुपए की है कैसे इसका उपयोग किया जाए, उसके लिए एक सब कमेटी का गठन हुआ है कैबिनेट का। उसमें राजेश धर्मानी जो है इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें जो है हमारे यादविंदर गोमा इसके जो है दूसरे सदस्य होंगे। तीसरा नाम नहीं, फिर मैं ये कहना चाहूँगा इसमें ये अनिरुद्ध सिंह जी होंगे इसके अध्यक्ष और राजेश धर्मानी और मिस्टर यादविंदर गोमा इस कैबिनेट मिनिस्टर जो है इनके मेंबर होंगे। तो ये तीनों कमेटियां जो है सरकार को जो है पूरा जो जो इनको जिम्मेवारियां दी गई है उसको जो है पूरा विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। इसके साथ में यहाँ पर जो है आज काफ़ी जो है पोस्टों को भरने के लिए भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, जिसमें 5 जो है पोस्ट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने के लिए भी कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसी तरह से 9 पोस्ट जो है क्लास ए तहसीलदार के लिए भरने के लिए भी जो है कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। और इसी तरह से कैबिनेट ने जो है एक पटवार सर्कल जारा मंजरी जाड़ मंजरी ये है तहसील बद्दी में है इसको खोलने की भी स्वीकृति प्रदान की है। और 7 पोस्ट जो है अलग अलग किस्म के प्लानिंग डिपार्टमेंट में खोले जाएंगे। इसके साथ में 6 पोस्ट जो है टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में किन्नौर और लाहौल स्पीति में खोले जाएंगे, ताकि किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ऑफिस है वो ठीक से वहाँ पर फंक्शन करे, क्योंकि अब इन दोनों जगह पे जो है टूरिज्म का बहुत जो है हर वर्ष हर इसमें बढ़ोतरी हो रही है और इन ऑफिसों को वहाँ होना ज़रूरी है। इसी तरह से ये जो हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है इसको भी जो है 4 पोस्टें हैं इनको बनने की भी जो है कैबिनेट ने स्वीकृति कर दी है। और 19 जो है नायब तहसीलदार को भी बनने के लिए जो है इस कैबिनेट से मंजूरी मिली है। साथ में ये जो हमारा चयन आयोग है इसका जो है रूल ऑफ बिजनेस जो है बनाने के लिए प्रोसीजर बनाने के लिए इसकी भी जो है कैबिनेट ने जो है स्वीकृति प्रदान की है। तो धन्यवाद सर। बजट सत्र के दौरान कोई बिल भी रखे जाएंगे जो कैबिनेट से भी अप्रूव हुए? अभी तो जो है बिल्स जो है बहुत सारे जो है विभिन्न जो है विभागों के अभी चले हैं, तो जो भी बिल जो तैयार होंगे वो आएंगे बजट सत्र में। सर ये जो कमेटीज बनाई है कितने टाइम में रिपोर्ट अपनी देंगी, कोई टाइम बाउंड रखा है? इनको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है 1-2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है जल्द से जल्द। हाँ, इसमें अभी दोबारा कैबिनेट होना है, बहुत सारे बिल जो है ये क्या कहते हैं मुद्दे अभी जो अभी कैबिनेट जो बजट के लिए होना है उससे पहले होगा। नहीं अभी तो कह नहीं सकता कैबिनेट का क्या फैसला रहता है। नहीं, इसके लिए स्वीकृति मिल गई है कि ये जो है कांस्टेबल्स को जो है भरे जाएंगे इसमें 30 ऑफलाइन ऑफलाइन और उसके लिए जो है ये रिक्रूटमेंट जो है ये कमीशन करेंगे और जो इसका जो फिजिकल टेस्ट है वो जो है इनका पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ। सर सरकार इस बार सप्लीमेंट्री बजट लाने वाली है, राजस्व की क्या स्थिति? सप्लीमेंट्री बजट जो है हर साल होता है, इस बार भी सरकार की तरफ से आना है जिसके बारे में चर्चा हुई है। सप्लीमेंट्री बजट तब आता है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा मजबूत ना हो। और सवाल आपसे ये है कि राजस्व की स्थिति क्या है? नहीं, सप्लीमेंट्री बजट इसलिए नहीं आता कि जब रिसोर्सेज वो ना हो, जब आपके पास खर्चने के लिए साधन रहे होंगे तभी सप्लीमेंट्री आता है। सर
सर JOIT के बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपने कहा कि कमेटी बना दी गई है, सब कमेटी कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, और हाँ इन्हीं पहलुओं को देखने के लिए जो आप जिन कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चला हुआ है, इन सारे कानूनी पहलुओं को देखकर तुरंत इसका फैसला लेने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और सर बद्दी में जो आगजनी की घटना हुई है परफ्यूम कॉस्मेटिक फैक्ट्री में, क्या उसके पहलुओं पर भी चर्चा की गई कि लैब्स कहाँ पाया गया? उसका तो जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है मौके पे गए और उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि उसकी इंक्वायरी वहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में क्या है? तो अभी वो तो अभी प्रेक्षित है, अभी जब जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद सरकार फैसला लेगी। ठीक है थैंक यू।